अज्जू एजुकेशन लाइव यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। जिसने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में दबा लीजिए बेल आइकन का बटन, जिससे कि आने वाले वीडियो के बारे में आप सभी को पता चल सके सबसे पहले। तो हम बात कर रहे हैं टेक्निकल हेल्पर थर्ड के अंदर जो वैकेंसी आई है 2022 में उसकी, जिसमें टोटल वैकेंसीज है 1512 और स्टार्टिंग डेट है अप्लाई करने के लिए 9/2/2022 और लास्ट डेट है 28 फरवरी 2022। हम बात कर रहे हैं टोटल डिस्कॉम्स की, तो इसके अंदर तीन डिस्कॉम आते हैं। एक होता है JVVNL जिसको जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड बोलते हैं, दूसरा आता है AVVNL जिसको अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड बोलते हैं, तीसरा आता है जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड जिसको JDVVNL बोला जाता है। इसके अंदर अलग अलग एरियाज आते हैं जो आप देख सकते हैं लिस्ट में, जैसे JVVNL है उसमें जयपुर, दौसा, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, सवाई माधोपुर, टोंक, करौली, कोटा, झालावाड़, बारां और बूंदी डिस्ट्रिक्ट आते हैं। और वहीं हम बात करें AVVNL की तो उसमें अजमेर, सीकर, झुंझुनू, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, उदयपुर, बांसवाड़ा, डूंगरपुर और प्रतापगढ़, राजसमंद और नागौर डिस्ट्रिक्ट आते हैं। और JDVVNL में मतलब जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड में आते हैं जोधपुर, बीकानेर, पाली, सिरोही, चूरू, हनुमानगढ़, श्रीगंगानगर, जैसलमेर, जालौर और बाड़मेर डिस्ट्रिक्ट। सबसे पहले हम बात करते हैं नॉन TSP जो कैटेगरीज के लोग हैं उनके लिए, तो इसके अंदर सभी लोग फॉर्म को फिल कर सकते हैं, मतलब सभी एरिया से जो बिलोंग करते हैं वो इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं नॉन TSP से। तो इसके अंदर JVVNL के अंदर पोस्टें 1035, JDVVNL में 370 और टोटल पोस्टें आती है 1405। तो इसमें UR, SC, ST और BC इनकी कैटेगरीज भी आप देख लीजिए कितनी पोस्टें दे रखी है, जैसा कि आप वीडियो में। जो एक होता है TSP जो कुछ एरियाज़ के लोगों के लिए है, उनको प्रमाण पत्र चाहिए। अब हम बात कर रहे हैं TSP कैटेगरी की वैकेंसी के लिए, तो इसके अंदर UR की पोस्टें 41 है AVVNL में और JDVVNL में 14 है। टोटल वैकेंसी की बात करें तो 80 पोस्टें हैं अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड में और JDVVNL में 27 पोस्टें आती है, टोटल 107 पोस्टें हैं। तो इसमें कौन कौन से लोग आएंगे इसमें आपको बता देता हूँ, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, पाली, सिरोही, प्रतापगढ़, उदयपुर और चित्तौड़गढ़ और राजसमंद के लोग ही इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं TSP कैटेगरी में। अब हम बात करते हैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की, तो इसके अंदर ITI होनी ज़रूरी है NCVT या SCVT से, जो भी इलेक्ट्रीशियन, लाइनमैन, SBA या वायरमैन या पावर इलेक्ट्रीशियन ट्रेड से है। अगर हम एज लिमिट की बात करें तो इसमें 18 से 28 साल तक के जो भी कैंडिडेट्स हैं जिनकी 1/1/2023 को 28 साल कंप्लीट होती है तो वो इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। उसके अलावा अलग अलग कैटेगरीज के हिसाब से 5 साल का उनको SC कैटेगरी के जो लोग हैं बेनिफिट मिल जाएगा, तो वो भी इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं अगर उनकी 33 साल एज होती है तो, और जो एक्स सर्विसमैन है वो 50 साल तक। अगर हम सैलरी की बात करें तो 2 साल का जो ट्रेनिंग पीरियड होता है उसमें 13,500 रुपये मिलेंगे, उसके बाद में लेवल 4 का जो पे मैट्रिक्स है वो लागू होगा, उसमें 19,200 रुपये पर मंथ के हिसाब से सैलरी आएगी। अगर हम एग्ज़ाम की बात करें तो इसमें 2 टाइप के एग्ज़ाम होंगे, मतलब प्री एंड मेंस। तो प्री के अंदर 100 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और मेंस एग्ज़ाम है उसमें 150 क्वेश्चंस होंगे, जिसमें 50 क्वेश्चंस ट्रेड के होंगे जो भी ट्रेड है आपकी। अगर हम प्री एग्ज़ाम की बात करें तो जिसमें 2 घंटे का समय मिलेगा, जनरल अवेयरनेस एंड टेक्निकल नॉलेज के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, टोटल क्वेश्चनों की संख्या होगी 100, जिसमें से 50 क्वेश्चन टेक्निकल नॉलेज के होंगे या स्किल बेस्ड के ऊपर होंगे जो ITI से संबंधित हैं। उसके अलावा 5 क्वेश्चन करंट अफेयर्स, ज्योग्राफी एंड नेचुरल रिसोर्सेज, एग्रीकल्चर्स, इन सभी के होंगे और 35 क्वेश्चंस करंट अफेयर्स, ज्योग्राफी एंड नेचुरल रिसोर्सेज, एग्रीकल्चर्स के, और उसके अलावा एलिमेंट्री मैथ्स एंड जनरल साइंस के 10 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, जो भी प्रत्येक क्वेश्चन होगा 1 नंबर का। प्री और मेंस दोनों एग्ज़ाम्स में सभी के सभी क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव टाइप होंगे, उसके अलावा इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेज में अवेलेबल होगा क्वेश्चन पेपर, और उसके अलावा जितने भी ट्रेड के क्वेश्चंस हैं वो इलेक्ट्रिशियन, लाइनमैन, SBA वायरमैन और पावर इलेक्ट्रिशियन सभी के कॉमन होंगे। एक बात आपको ध्यान रखनी है, इस एग्ज़ाम के अंदर कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। उसके अलावा आपको अगर आप प्री एग्ज़ाम क्लियर करना है या क्वालिफाई करना है तो आपको कम से कम 30% लेने अनिवार्य है, जो कि जनरल कैटेगरी के लिए है, और उसके अलावा 5% का कोटा भी मिलेगा SC ST वालों को। उसके अलावा एक बात आपको और याद रखनी है, जो भी प्री एग्ज़ाम्स होगा उसका मेरिट लिस्ट अलग से
निकाला जाएगा। अगर हम एग्जामिनेशन सेंटर्स की बात करें तो वो राजस्थान के अंदर जयपुर, कोटा, अजमेर, उदयपुर, जोधपुर, बीकानेर, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, सीकर और अलवर, इन जगह पे आप अप्लाई कर सकते हो। आपको ऑप्शन मिलेगा सेंटर चूज करने का, तो आप इनमें से किसी को भी कर सकते हो जो आपको बेटर लगे। मेंस एग्ज़ाम की बात करें तो इसमें दो पार्ट होंगे, पार्ट ए जिसको जनरल अवेयरनेस का नाम दिया गया है, पार्ट बी को टेक्निकल नॉलेज एंड स्किल का नाम दिया गया है। तो पार्ट ए के अंदर 30 क्वेश्चंस करंट अफेयर्स, जियोग्राफी और इन सभी के होंगे, 5 मैथ के, 5 जनरल साइंस के, 10 करंट अफेयर्स, जियोग्राफी वगैरह के आ गए। उसके अलावा 100 क्वेश्चंस होंगे पार्ट बी में ट्रेड से संबंधित, जो कि इलेक्ट्रिशियन बेस पे होंगे या टेक्निकल क्वेश्चंस जिसको हम बोल सकते हैं। मतलब टोटल 150 क्वेश्चंस होंगे मेंस एग्जाम में, जिसमें भी आपको 2 घंटे का समय मिलेगा। अगर एप्लीकेशन फ़ीस की अगर हम बात करें तो जनरल कैटेगरी के जो लोग हैं जिनकी 2.5 लाख से ऊपर सालाना आए हैं उसके 1200 रुपये लगेंगे, और जिनकी 2.5 लाख से कम है इनकम सालाना, या एससी एसटी कैटेगरी के लोग हैं या जो ईडब्ल्यूएस कोटे के अंदर आते हैं, उनकी 1000 रुपये फॉर्म फीस लगेगी और बैंक ट्रांजेक्शन का कोई भी चार्ज नहीं होगा, ये देख रहे हैं हम। और पेमेंट फीस थ्रोट ऑनलाइन मोड इज़ अवेलेबल ओनली 9 फरवरी से लेकर 28 फरवरी तक आप इस फॉर्म की पेमेंट कर सकते हो। यहाँ पर आपको एक बात का ध्यान रखना है, अगर आप फॉर्म फीस भर रहे हो तो उस समय आप डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड से भी पेमेंट कर सकते हो। तो आपको एक ध्यान रखना है, जब भी आप पेमेंट कर रहे हो या ओटीपी आता है जिस टाइम, तो उस समय आपको बैक एंड रिफ्रेश नहीं करना है, थोड़ा वेट करना है। ऑटोमेटिकली आपकी जो पेमेंट है वो सक्सेसफुल का जब ऑप्शन दिखाई दे उसी के बाद में क्लोज करना है। उसके बाद में आप अपना जो फॉर्म होंगे तो उसको आप कम्प्लीटली डाउनलोड कर सकते हो, उसका प्रिंटआउट भी निकाल सकते हो, तभी उस फॉर्म को पूरा फिलड माना जाएगा, मतलब सक्सेसफुली भरा हुआ माना जाएगा। अगर आप जिस भी डिस्कॉम के अंदर फॉर्म को फिल करना चाहते हैं तो आप अलग अलग वेबसाइट के थ्रू कर सकते हो। 9 फरवरी से लेकर 28 फरवरी तक आपको इस फॉर्म को फिल करना है। तो www.nrg.rajasthan.gov.in, इतनी तो कन्फर्मेशन है, तीनों की सेम है। उसके बाद में स्लैश लगा के JVVNL या AVVNL या JDVVNL आप लगा के उसी डिस्कॉम का फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। तो धन्यवाद दोस्तों आप सभी का इस वीडियो को देखने के लिए। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए डेली लाइव टेस्ट देखने के लिए और क्लासेस देखने के लिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम आप सभी के लिए लेके आएंगे इसी यूट्यूब चैनल अजय एजुकेशन लाइव पर। थैंक यू। और दोस्तों साथ में हम आपके लिए एक और वीडियो लेके आने वाले हैं, जिसमें आपको सिलेबस के बारे में बताएंगे, कौन कौन से टॉपिक आएंगे इलेक्ट्रिशियन के एग्ज़ाम में और कितने क्वेश्चंस आएंगे कौन से टॉपिक में से। थैंक यू एवरीवन, बने रहिएगा हमारे साथ, आपका भरोसा हमारा साथ।